हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं प्लम्बिंग सर्विसेज का अगला पार्ट। हम लास्ट लेक्चर में पाइप फिटिंग्स के ऊपर कर रहे थे, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पाइप फिटिंग्स ख़त्म हो जाए, जो यूनिट 2 है प्लम्बिंग सर्विसेज के सिलेबस का। पाइप फिटिंग के आगे मैं करता हूँ, तो अपना स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया यहाँ पर, और डायरेक्ट चलते हैं यूनिट 2 में पाइप फिटिंग्स वाले पार्ट पर। लास्ट लेक्चर में हमने जॉइंट किया था, जो पाइप की जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स करते हैं, ये भी पाइप फिटिंग का ही एक पार्ट है। अगले पाइप फिटिंग में और भी कुछ बच गए थे, जिसको हम इस लेक्चर में देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिटिंग पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप का हम पढ़ लेते हैं कि पाइप फिटिंग है क्या। Pipe fitting are pipe component that helps in change the direction of the flow, such as elbows, tees, change the size of the pipe, such as reducer, reducing tees, connect different components, such as coupling, and stop the flow, such as caps। तो इन सब चीज़ में पाइप फिटिंग्स कहते हैं। पाइप का वो कंपोनेंट जिससे हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ साइज, मतलब पाइप के साइज को, जो कनेक्शन है, मान लो एक बड़े पाइप से, ज़्यादा डायमीटर के पाइप से कम डायमीटर के पाइप को हम कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं कपलिंग की ज़रूरत हो, या फिर कहीं पे फ्लो को रोकना है, स्टॉप करना है, तो उन सब जगह पे पाइप फिटिंग्स करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप फिटिंग यूज इन पाइपिंग। पाइप फिटिंग्स यूज इन पाइपिंग वर्क आर मेनली एल्बो, टी, रिड्यूसर, यूनियन, कपलिंग, क्रॉस, कैप, निपल, प्लग, बुश, एक्सपेंशन जॉइंट, एडेप्टर। तो ये सब सारे के सारे टाइप्स हैं पाइप फिटिंग्स के। एनी पार्ट यूज्ड इन कनेक्शन विथ वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, कंट्रोलिंग, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ वाटर इज नोन एज पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग का कभी कभी 2 मार्क्स में डिफिनेशन भी आ जाता है कि पाइप फिटिंग है क्या, या कौन कौन से टाइप के पाइप फिटिंग होते हैं। तो ये सारे टाइप्स मैंने बता दिए हैं, या लिस्ट है 9 पाइप फिटिंग्स का। तो इन सब के बारे में एक एक करके अब देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहला है कॉलर। कॉलर के बारे में देखते हैं कि कॉलर है क्या। वाइल ज्वाइनिंग टू पाइप्स इन सेम लेंथ कॉलर इज यूज्ड। कॉलर इज फिटेड इन एंड ऑफ द पाइप। जब दो पाइप को सेम लेंथ का, 2 पाइप है और उसको ज्वाइंट करना है, तो कॉलर का यूज करते हैं। और कॉलर कहाँ पे यूज करेंगे? एंड ऑफ द पाइप यूज करेंगे। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फिटिंग्स है एल्बो। इट इज इंस्टॉल्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टू पाइप्स। विद द हेल्प ऑफ एल्बो द डायरेक्शन ऑफ पाइप इज चेंज्ड। जब अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना है पाइप का, तो एल्बो का यूज़ करेंगे। नॉर्मली कौन कौन से टाइप का एल्बो आता है? तो 45 डिग्री एल्बो आता है, 90 डिग्री एल्बो आता है। व्हेन द टू साइड्स ऑफ पाइप डिफर इन साइज। जब 2 पाइप को कनेक्ट करना है, डायरेक्शन भी चेंज करना है, और साइज जो है डिफरेंस है, मतलब डायमीटर दोनों का डिफरेंस है, तो फिर एल्बो को जो यूज करेंगे वो रिड्यूसिंग साइज के एल्बो का यूज करेंगे। और उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग टाइप एल्बो कहते हैं, या रिड्यूसर टाइप एल्बो कहते हैं। एल्बो आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज्ड। उसको कई तरह से कैटेगरी में बांट देते हैं एल्बो को। लॉन्ग रेडियस एल्बो, शॉर्ट रेडियस एल्बो, 90 डिग्री एल्बो, 45 डिग्री एल्बो। तो जो लॉन्ग रेडियस एल्बो है, द रेडियस इज 1.5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप। तो यहाँ का रेडियस 1.5 टाइम्स हो जाएगा। शॉर्ट रेडियस एल्बो क्या है? द रेडियस इज 1 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप। 90 डिग्री एल्बो क्या है? दिस इज यूज्ड व्हेन द डायरेक्शन रिक्वायर्ड इज 90 डिग्री। और 45 डिग्री क्या है? उसी तरह से दिस इज यूज्ड व्हेन द डायरेक्शन रिक्वायर्ड इज 45 डिग्री। कुछ यहाँ पे फिगर्स भी दिए गए हैं 45 डिग्री एल्बो के। अगले पेज में चलते हैं, कुछ और एल्बो का पिक दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो 90, 45 डिग्री और 90 डिग्री एल्बो। जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री है, और यहाँ जो एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री है, तो इसीलिए इसका नाम 45 डिग्री एल्बो और 90 डिग्री एल्बो दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सब जॉइंट्स के कुछ पिक है जो मैंने बुक का स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया हुआ है। अगला पार्ट है गैस्केट। दे आर मैकेनिकली सील्स जनरली रिंग शेप टाइप एंड फिटेड फॉर सीलिंग फ्लेंज जॉइंट। अ फ्लेंज जॉइंट इज अ प्लेट और रिंग टू फॉर्म अ रिम एट द एंड ऑफ अ पाइप व्हेन फास्टेंड टू द पाइप। गैस्केट्स आर मेड एज पर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फीचर्स। इंपॉर्टेंट गैस्केट यूज्ड आर नॉन मेटलिक स्पायरल वाउंड एंड रिंग जॉइंट टाइप। तो कई तरह के गैस्केट यूज करते हैं जिसका नाम नॉन मेटलिक टाइप का होता है, स्पायरल वाउंड टाइप का होता है और रिंग जॉइंट टाइप का होता है। ये एक तरह से सील होता है और रिंग शेप में होता है और इसको क्या कहते हैं, सीलिंग के टाइम में जो फ्लेंज जॉइंट होता है उसके सीलिंग का काम करता है ये। अगला है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या है, जब डिफरेंट डायमीटर का हम ज्वाइन करते हैं, दो पाइप ज्वाइन करते हैं और दोनों का डायमीटर डिफरेंट हो, एक का ज़्यादा हो एक का कम हो, तब हम रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। रिड्यूसर यहाँ पे बना हुआ भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका डायमीटर, एक एंड का डायमीटर ज़्यादा है एक एंड का कम है, तो कम वाला इस साइड मतलब ज्वाइन कर देंगे और इधर ज़्यादा वाला कर देंगे। इधर भी आप देख सकते हो ज़्यादा डायमीटर है और दूसरे एंड पे कम डायमीटर है, तो ये रिड्यूसर का काम है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। अ रिड्यूसर मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक रिड्यूसर टी, रिड्यूसर एल्बो, रिड्यूसर सॉकेट। तो रिड्यूसर टी भी हो सकता है, रिड्यूसर एल्बो भी हो सकता है, जैसे कि ये टी का है। तो आगे देखेंगे टी, टी क्या है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिटिंग विथ अ साइड आउटलेट एट 900 टू द रन ऑफ द पाइप्स। टीज कनेक्ट पाइप ऑफ वेरियस डायमीटर एंड हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वाटर और मटेरियल इन पाइप। टीज आर मेड इन वेरियस साइजेज लाइक इक्वल और अनइक्वल। द इक्वल टी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो ये टी आप देख सकते हो टी सॉकेट का बना हुआ है, कई तरह के सिंगल टी सॉकेट सब ये बना हुआ है, डबल टी सॉकेट का भी है। तो इसमें क्या है इसका कि डिफरेंट वेरियस डायमीटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन भी, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी मोड़ सकते हैं, हम स्ट्रेट भी ले जा सकते हैं उसी को, लेफ़्ट राइट कहीं पे भी हम, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं, चाहे वो वाटर हो या फिर कोई और लिक्विड हो, तो उसको हम यूज करते हैं टी को। अगला एक इम्पॉर्टेंट फिटिंग है निप्पल। इट इज़ अ पीस ऑफ पाइप हैविंग थ्रेड एट बोथ एंड एंड could be used for short extension of plumbing lines. It can also be used for connecting two fittings within small diameter. Small diameter के लिए दो fittings का काम करता है, दोनों side इसका thread होता है, आप देख सकते हो, जिससे ये fix हो सकता है। अगला important है fitting trap. It is a fitting in a P U S और J shape. तो इसका आप शेप देख के, जैसे कि ये एस इस तरह से है तो ये उल्टा एस जैसे एस होता है, तो ये इस तरह का आकार है। अगर हम इसको मूव कर दें, रोटेट कर दें, तो एस ट्रैप देख सकते हो, ये पी ट्रैप है और ये बोतल ट्रैप है। बोतल के आकार का है तो बोतल ट्रैप हो जाएगा, एस आकार का है तो एस ट्रैप हो जाएगा, और पी साइज़ का है तो पी होगा, यू अगर होगा तो यू टाइप का हो जाएगा, जे शेप का, तो किसी भी शेप का, ये कई तरह के शेप के टाइप के हो सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ट्रैप्स आर फिटेड नियर है प्लम्बिंग फिक्सर। द ट्रैप बेंड इज फिटेड टू प्रिवेंट सीवर गैसेज फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग। इफ़ द गैसेज आर इंसर्टेड बैक इनटू द होम देन इट कुड बी लेड टू पीपल फॉल स्मेल विच कुड कॉज इलनेस एंड इट कुड इवन एक्सप्लोड। तो ट्रैप का क्या काम होता है कि ये जो बैड स्मेल वगैरह आ जाते हैं सीवर लाइंस के वजह से, तो उन सब को रोकने का काम करता है। अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन हो तो फिर डायरेक्ट वो सीवर का जो गैसेस वगैरह हैं वो गंदा सा स्मेल आएगा घर में, हमारे हाउस होल्ड में या ऑफिसेस में, तो इन सब को एस ट्रैप बना देने से क्या हो जाएगा कि ये रुक जाएगा, इस तरह का घुमा हुआ है तो यहीं तक आके रह जाएगा, जहाँ से मतलब सीवर का कनेक्शन है तो फिर उधर ही रह जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिटिंग है। अगला है क्रॉस। व्हेन फोर पाइप्स आर जॉइंट अ क्रॉस इज फॉर्म्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्रॉस ब्रांच लाइन और फोर वे फिटिंग। दिस फिटिंग हैज़ 3 आउटलेट एंड 1 इनलेट। क्रॉस फिटिंग में डिटोरिएट व्हेन टेम्परेचर्स चेंज बिकॉज क्रॉस फिटिंग इज मेड एट द सेंटर ऑफ फोर कनेक्शन। तो ये क्रॉस फिटिंग है, इसमें कोई एक इनलेट है, सपोज करो ये इनलेट है, तो ये बाकी के तीन क्या हो जाएंगे, आउटलेट हो जाएंगे। तीन डायरेक्शंस में हम इसको भेज सकते हैं। इम्पोर्टेंट फिटिंग है। अगला है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? व्हेन एन असेंबली ऑफ फिटिंग ऑन अ पाइप लाइन मेक्स वन सेक्शन ऑफ पाइप आउट ऑफ लाइन एंड पैरेलल टू सेकेंड सेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड ऑफसेट। क्या है कि एक असेंबली है फिटिंग का, पाइपलाइंस का, जिसमें वन सेक्शन के पाइप को आउट करते हैं और पैरेलल करते हैं सेकेंड सेक्शन पाइप से। अब ये जैसे एक पाइप यहाँ से आ रहा है और दूसरा पाइप, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये एक लाइन है और दूसरा ये लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आप देख सकते हो। तो ये पैरेलल मतलब स्ट्रेट, अगर सेम पाथ में चलता तो फिर एक ही होता ना, तब तो फिर यहाँ से एक जॉइंट हो जाता, बट हमें ये पाइप जो है ये दूसरे डायरेक्शन में ले जाना है, जा रहा है, डायरेक्शन सेम ही है बट दूसरे पाथ में चलना है, तो फिर यहाँ से कुछ ऐसा कनेक्टर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाए, तो इसी को कहते हैं ऑफसेट। नेक्स्ट है यूनियन। व्हेन टू एंड्स ऑफ पाइप आर जॉइंट द पाइप फिटिंग इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन इज मेड ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली अ नट, a male end and a female end. The male end and the female end are assembled with the support of nut and necessary pressure is made to connect the joint. Since the pairing ends of the union are interchangeable, the end union can be changed in short time. तो एक union इस तरह का है जिसमें एक nut होता है, एक male end होता है, एक female end होता है, ठीक है, और ये जो नट का काम है ये दोनों को असेंबल करके रखता है और ये प्रेशर को प्रेशर कर देता है, मतलब प्रेशर को ले लेता है कनेक्ट करने टाइम में, जॉइंट जब होगा तब। नेक्स्ट है बेंड्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंड्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर इन एन ईजी मैनर टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ अ बिल्डिंग। कॉमनली क्रॉस बेंड एंड टीक बेंड आर प्रोवाइडेड। रिड्यूसिंग एल्बो इज अ कर्व type bend which is commonly used for changing the direction of pipeline. Other bends are Y bend as in shape of Y and a reducer B knot. You should look at the following figure for different types of bends. तो कई तरह के bends होते हैं, देखो अब cross bend है, T bend है, ordinary plug है, elbow bend, increaser, reducer, तो ये कई तरह के bend होते हैं जो कि हमें plumbing services में यूज होता है। तो यहीं तक था ये फिटिंग्स का, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें डिटेल्स में, आपके लेवल में नॉर्मली ही रखना है। बेंड्स के बारे में और कुछ लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। 90 डिग्री बेंड पे है। दीज ऑल पाइप बेंड्स आर कंस्ट्रक्टेड अंडर स्पेसिफिकेशन मेड बाय BIS। वी कैन सी ऑल दीज इन अ बिल्डिंग और इन अ हाउस। दीज बेंड आर प्रोवाइडेड टू फुलफिल फॉलोइंग टू मेन पर्पस फॉर ईजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, providing a smooth and frictionless surface of conveyance of water। तो ये किस लिए करते हैं? easy distribution के लिए और smooth and frictionless surface जो conveyance करते हैं water को, उसके लिए। तो ये भी एक important term था ये fittings। तो एक बार हम review कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज या fittings के last chapter में भी देख लेते हैं कि क्या क्या था पढ़ना। सिंबल्स से स्टार्ट था फिटिंग, कई तरह के सिंबल्स हैं जो कि जैसे आज हमने यूनियन पढ़ा, वाल्व्स के बारे में हमने लास्ट दिन ही पढ़ा, एल्बो, रिड्यूसर, टी, ये सब आज हमने पढ़ा, लेकिन सिंबल्स पहले लेक्चर में ही हमने देख लिया था। 90 डिग्री एल्बो का किस तरह का साइन होगा, सिंबल होगा, स्ट्रेट टी का किस तरह का साइन होगा, तो ये सब पहले के 3-4 चैप्टर में, और ये भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं। MCQ टाइप्स के एग्ज़ाम में कई बार आते हैं कि आपके सिंबल दे दिया और बताना है ये कौन सा बल्ब है। जैसे गेट बल्ब का बना दिया फिगर और चार बल्ब के ऑप्शन दे दिए, तो आपको बताना है कि इसमें मतलब इनमें से कौन सा बल्ब है, तो गेट बल्ब है। या फिर गेट बल्ब दे दिया कि गेट बल्ब इनमें से कौन सा, 4 फिगर बल्ब के बना दिए, तो फिर इस तरह का कई बार एग्ज़ाम्स में आते हैं। और नॉर्मल एग्ज़ाम में भी कन्वेंशनल टाइप में भी आ जाएंगे कि आपको सिंबल, इसका गेट बल्ब का क्या सिंबल है, बनाओ। पाइप कटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद उसमें भी पाइप कटर, थ्रेडिंग, डाई स्टॉक, इन सब के बारे में किया था। उसके बाद फिर पाइप जॉइंट्स के लिए किए थे। पाइप जॉइंट में बहुत सारा था, 11 टाइप के जॉइंट होते हैं, सबके डिटेल्स हमने लास्ट लेक्चर में किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो आप वीडियो। और इस लेक्चर में हमने पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें पाइप फिटिंग में था कॉलर, गैस्केट, रिड्यूसर, निपल बेंड्स, एल्बो, यूनियन, टी और ट्रैप के बारे में हमने पढ़ा, जो कि सारे इम्पोर्टेंट है फिटिंग्स के लिए। सबको आपका फिगर भी याद रखना है और क्या क्या फंक्शन है एक शॉर्ट में याद करना है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको आपको एज ए असाइनमेंट करना है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि जितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो उसको आप असाइनमेंट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सबका आंसर। ऐसे यहाँ पे दे दिया गया है, बट आप प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो क्वेश्चन 13 तक, 1 से 13 तक। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और बल्कि आप दूसरा आप कर सकते हो कि आप इसको ब्लैंक पेपर में बनाकर स्कैन करके हमें ईमेल भी कर सकते हो। मीडियम टाइप, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को भी करें और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको पूरा कंप्लीट करें, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और मैंने कुछ एमसीक्यू सेट भी बनाया हुआ है एग्ज़ाम्स के लिए, तो उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने यूनिट वाइज बनाया है। जैसे पहले वीडियो में मैंने 1 से 3 यूनिट तक किया है, दूसरे वीडियो में मैंने 3 से 4 से 6 यूनिट तक किया है। तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। जब आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उस एमसीक्यू को सेट को देख सकते हो, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चंस आएगा। अगर ऑनलाइन क्वेश्चन आता है तो उस टाइप का आएगा। और बल्कि बाद में भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वो सारे ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है, यूनिट 2 का यहाँ पे एंड हो जाता है। अगले यूनिट 3 में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम करेंगे। तो यहीं पर मैं एंड करता हूँ चैप्टर को। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को हेल्प हो जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितने भी वीडियो बनाओ तो मैं आपको आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।